मंडी बहाउद्दीन से मोहम्मद रशीद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डेप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर शाहिद इमरान मार्ट और डीपीओ रजा सफ्तर कासमी की ज़ेरे सदारत आम इंतखाबात 2024 की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर यासिर हमीद, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल समेत तमाम रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान ने शिरकत की। इजलास में जिला भर के 762 पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग, अमले की तैनाती, ट्रांसपोर्टेशन, पोलिंग स्टेशन पर मतलूबा सहूलियात और दीगर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर शाहिद इमरान मार्थ ने तमाम रिटर्निंग अफसरान को हिदायत की है कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी मेहनत दयानतदारी से अंजाम दें। तमाम पोलिंग स्टेशन पर मुनासिब रोशनी, वॉशरूम्स, पीने का साफ पानी, जनरेटर समेत दीगर सहूलियात का इंतजाम लाजमी होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक जिला इंतजामिया, सिक्योरिटी फोर्सेज और इंतखाबी उम्मीदवारों के तआवुन से पुरअमन और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे।